subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीवन रूपी वीणा। एक घर में बहुत दिनों पुरानी एक वीणा रखी हुई थी। लोग उसको उपयोग में नहीं लेते थे, जिसके चलते पड़ी पड़ी वो धूल खाती रहती थी। रात में अगर भूल से कोई बच्चा उसे गिरा देता तो आधी रात में उसके तार झंझना जाते और घर के लोगों की नींद टूट जाती। वह वीणा एक उपद्रव का कारण बन गई थी। अंततः उस घर के लोगों ने यह तय किया कि इसे घर से बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि यह जगह घेरती है, कचरा इकट्ठा करती है और घर की शांति भी भंग करती है। सब मिलकर वीणा को घर से बाहर कूड़ेदान में फेंकने चल दिए। अभी वो फेंक कर लौट भी ना पाए थे कि उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसकी नज़र उस वीणा पर पड़ी। उसने उस वीणा को उठाकर धूल झाड़ी और तारों को ठीक से कसा और उसके तारों को छेड़ने लगा। फिर क्या था, अब तो नज़ारा ही बदल गया। जो भी उस रास्ते से गुजरता वही ठिठर कर खड़ा हो जाता और उसके मधुर संगीत में खो जाता। चारों ओर भीड़ लग गई। वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर वीणा बजा रहा था। चारों तरफ शमा सा बंद गया। जैसे ही उसने वीणा बजाना बंद किया कि फिर सब झपट पड़े, बोले, यह वीणा हमारी है, इसे हमें वापस कर दो। वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, पहले इसे बजाना तो सीख लो, अन्यथा फिर यह उपद्रव पैदा करेगा। बजाना ना आता हो तो वीणा घर की शांति भंग कर देती है और यदि बजाना आता हो तो घर को शांतिपूर्ण एवं संगीतमय बना देती है। जीवन भी एक वीणा की तरह है। इस वीणा को बजाना बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, इसलिए तो इतनी उदासी है, दुख है, इतनी पीड़ा है। जो जीवन एक संगीत बन सकता है वह भी संगीतपूर्ण बन गया है। क्या आपको पता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य छिपी पड़ी है? दुनिया की कोई भी मशीन आज तक नहीं जान पाई। अपनी शक्ति का एक शुद्ध भाग ही अभी तक आप प्रकट कर पाए हो। इंसान के पास जितनी शक्ति, जितने विचार, जितने नए सृजन करने के सामर्थ्य विद्यमान है, वह अन्य किसी भी जीव के पास नहीं है। सैकड़ों बार आप असफल या चोट खा सकते हो, लेकिन स्वयं और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण आप संसार को जरूर कुछ देने में सफल होंगे। समाज को कुछ ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो परमार्थ के यज्ञ में निरंतर संलग्न रहकर इस समाज का भला कर सकें। जब तुम कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, तब तुम भगवान का भी उपहास उड़ाते हो। कुछ भी तो ऐसा नहीं जो तुम्हारे द्वारा ना हो सके। छठ इच्छा की और अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है बस। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।